नमस्कार जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 1035 DI मैसी फर्गूसन रेगुलर मॉडल, और ये 2008 का मैन्युफैक्चरर, 2008 के रजिस्ट्रेशन है, ठीक है जी। और इंजन से, कंडीशन से, हर तरह से ट्रैक्टर आपको बढ़िया मिलेगा, कंप्लीट। कोई रुपया जो भी कोई किसान भाई लेगा नहीं लगाना। तो पहले मैं इसकी स्टार्टिंग दिखा दूँ, आवाज़ सुनवा दूँ, आवाज़ कैसी निकाल रहा और ट्रैक्टर क्या जवाब दे रहा। बाकी वीडियो में आगे दिखाएंगे इसके टायर टप्पे और इसकी कीमत बताएंगे। मारो जी सेल्फ, बेहतरीन शानदार आवाज। ऑयल प्रेशर होगा जी, बंद कर देते हैं जी। दोस्तों ऑयल प्रेशर बढ़िया दिखा रहा, स्टीयरिंग भी बढ़िया, पुराने वाला स्टीयरिंग है, और ये 3 हाई स्पीड में है। ये 14 मॉडल से बाद में 4 हाई स्पीड में आ गए, 5 गियर वाला, ये 4 गियर वाला है। तो स्पेशल कोटा बता रहे हैं जो मालिक है, रेगुलर मॉडल है जी, स्पेशल कोटा। फ्रंट में बात करेंगे तो आपको अपोलो के टायर मिलेंगे, अपोलो कृषक प्रीमियम, ये धूल सी में हो रही है, मट्टी सी में। बैलेंस रोड वगैरह देखें जी, कहीं से कोई वेल्डिंग वेल्डिंग नहीं है। स्टीयरिंग दोस्तों इसमें साइड लॉक आ, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। बैटरी इसमें SF सोनिक की है नवी, यहाँ से कंडीशन होगी जी। इसका बोनेट का पैंट आपको ओरिजिनल मिलेगा, ट्रैक्टर वैसे ही पूरा ओरिजिनल है, हल्की फुल्की टचिंग जैसे यहाँ का बैठने से आया, जैसे भी यहाँ का पैंट हल्का हो जा तो यहाँ पर मिलेगी आपको ऊपर। स्टीयरिंग ठीक है, उधर से कंडीशन दिखाएंगे जी। भाई ये वाला टायर इसमें है हमारा का दोस्तों, ये इधर से कंडीशन होगी, इंडिकेटर लाइट सब ओके मिलेंगे जी। इसके इंजन की शुरुआत होती है 324। अब बढ़ते हैं जी पीछे को, इसकी जो मैन टायर है इसके अपोलो के मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा डीप ट्रैक्शन, रबड़ बेल्ट के हैं वो, सारी चीज़ मैं खोल दूँगा अभी। रबड़ बेल्ट के हैं, गुड्डी देखें आप दोस्तों कितनी है, ये पीछे से कंडीशन होगी। हिच इसमें एडजस्ट वाला मिलेगा, PTO की कैप लगी हुई है, लिंक वगैरह साफ है, ठीक है, वेल्डिंग वेल्डिंग नहीं है कहीं से। इसका जो जैक है ये चेंज है, इसकी 7 का नहीं है, बाकी जैक जो ठीक है। और उस समय ये दिया था इन्होंने, जैसा कुछ ऑप्शन दिया था चार्जिंग का या कुछ इसमें लाइट वाइट का। तो गोल सो वाला जी 1035 DI, 36 HP की श्रेणी में, 2400 CC का बढ़िया लॉन्ग लाइफ का इंजन कंपनी ने दिया था उस समय, और अब भी ये इंजन आ रहा है सिम्सन्स का। इसमें 2008 मॉडल है जी, 8 के रजिस्ट्रेशन है, 8 का मैन्युफैक्चर है। रिम वगैरह फ्रेश है, कोई से कोई वेल्डिंग वेल्डिंग नहीं है। अब इसकी बात कीमत की करेंगे जी, 2,10,000, 1,90,000। दोस्तों 1,90,000 रुपये के लिए कह रहे हैं, थोड़ी सी मुझे मिस्टेक हो गई कीमत बताने में। 1,90,000 रुपये की इसकी डिमांड है, 8 मॉडल ट्रैक्टर है। और नंबर बता दूँ, नंबर बाहर का बता रहे हैं, पेपरों की जिम्मेदारी हर तरह से रहेगी, मालिक लिखित में लेना चाहे लिखित में देंगे। ट्रैक्टर की RC मिलेगी, साइन लेटर मिलेगा, और स्टाम्प नोटरी ID वगैरह सारी चीज़ मिलेंगे आपको। NOC तो कट नहीं पाने की, कोई किसान भाई जैसे बाहर गए हैं NOC के लिए परेशान करें, तो NOC के लिए तो माफ़ी चाह रहे जी ये, और यहाँ से पेपर पूरे कंप्लीट देंगे जी। 8 मॉडल ट्रैक्टर है, 1,90,000 रुपये की डिमांड रखी गई है इसकी। और बैक टायर इसमें अपोलो के हैं, और फ्रंट टायर जो ये भी अपोलो के मान लो आप, ठीक है जी। एड्रेस की बात करेंगे, ये आपको कस्बा किठोर के पास में मिलेगा, ये कस्बा किठोर पड़ता है दोस्तों मेरठ गढ़ रोड पर, और ज़िला भी मेरठ ही लग रहा है, यहाँ UP उत्तर प्रदेश में। बम्फर है नहीं, जो किसान भाई लेगा बम्फर लगवा ले। और कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं, जैसे बोनेट वगैरह
मालिक यूँ कह रहे हैं जी बिना खुला ट्रैक्टर है, इंजन की जो कंडीशन है ना 90 पैसे मान लो तुम, जो इंजन है इसका स्टार्ट करके दिखाऊंगे गैस वैस सीटे विट्टे। देखो बोनेट खोल रहे हैं जी, अंदर का पैंट दिखा रहे हैं दोस्तों, ये अंदर की कंडीशन होगी जी, इसे लगा देते हैं। एक बार हेल्प मार के किसान भाइयों को दिखाते हैं गैस, और वो तो ना छिट्टे बाहर के भी किसान भाइयों संतुष्टि कर रहे हैं। मारियो जी सेल्फ, ठीक है जी बिल्कुल। बंद कर दो जी। दोस्तों इसका इंजन तो बढ़िया जवाब दे रहा, ना तो इसमें गैस है ना कोई बैक कंप्रेसर है, क्योंकि जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट करा अगर गैस होगी तो शुरू में गैस दिखा देगा या छिट्टे मार देगा नीचे से बैक कंप्रेसर मार देगा। तो इंजन इसका 90 पैसे बता रहे हैं, 90 ही पैसे इंजन होगा, नीचे से कंडीशन होगी, मरगाड होगी, मरगाड वगैरह फ्रेश है। रेट में गुंजाश समझे जी थोड़ी बहुत ही, देखो लंबी चौड़ी नहीं होने की, कोई किसान भाई आसपास के वे भी आकर देख सकते हैं। स्टेयरिंग साइलो वाला है जी, फिलहाल ठीक है, कोई काम नहीं है। ये बिंदी बिंदी देखें, पेडल वगैरह, हाइड्रोलिक की बात करेंगे, हाइड्रोलिक अच्छी है जी, हाइड्रोलिक ठीक है, जहाँ रोक देंगे वहीं रुकी रहेगी। ये वाला तो इसका मीटर पड़ा दोस्तों बंद, जो तेल के गेज वाला, और चालू है। अच्छा जी, चालू है सब, और बाकी जो मीटर हैं वे चल रहे हैं। ये इसकी होगी दोस्तों S324C 33043 और चेजिस नंबर होगा 4372-71, ये चेजिस नंबर होगा, इंजन नंबर होगा, इंजन नंबर इसका C33043। ये देखे जी C33043 S324C बिल्कुल मैच खा रहा है जी, जो चीज़ मिलेगी वही दिखाएंगे तुम्हें, ऐसा नहीं है कि जी दिखाया कुछ लिखड़ा कुछ। बाकी आकर अपनी संतुष्टि करें, मालिक का नंबर देंगे, फ़ोन कर काम है, कोई किसान भाई बाहर का वे भी आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो पर।